ट्रेन में सफर करना कितना आसान होता है। यात्रा के दौरान ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक साथ चल रहा हो। आप ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ट्रेन में एक साथ करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसीलिए तो भारत में रेलवे को लाइफलाइन के रूप में जाना जाता है। रेलवे में क्या अमीर क्या गरीब हर कोई यात्रा करता है, साथ ही साथ रेलवे में हर वर्ग आयु के लोग यात्रा करते हैं और उन्हें उस तरह की सुविधाएं भी मिलती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन, विकलांग और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष तरह की सुविधाएँ मुहैया कराई जाती है। अब तो रेलवे ने बच्चों के लिए भी स्पेशल सुविधा दे दी है। अगर माँ अपने बच्चे को लेकर यात्रा कर रही है तो उसे यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इन सब का ध्यान रखा जाने लगा है। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ छोटा बच्चा है और आपको एक सीट पर सोने में परेशानी हो रही है तो रेलवे इस दौरान आपकी मदद कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में रेलवे ने फ्री बेबी सीट की सुविधा शुरू की है, यानी कि सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सीट के माध्यम से उस माँ को लाभ मिलने वाला है जो कि नई माँ बनी है और उन्हें यात्रा करना है, क्योंकि सीट छोटा होने के कारण जच्चा और बच्चा दोनों ही एक सीट पर आराम से नहीं सो सकते। ऐसी स्थिति में रेलवे ने फोल्ड बेबी बर्थ की शुरुआत की है। आपको बता दें कि रेलवे ने इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर रेलवे के लखनऊ और दिल्ली डिवीजन में इसकी संयुक्त रूप से शुरुआत किया है, जिससे कि मां को आराम मिल सके। इसके लिए रेलवे ने ट्रेनों की निचली बर्थ से एक्स्ट्रा बेबी बर्थ जोड़ दिया है। इस बर्थ के जुड़ जाने से एक फायदा यह है कि इसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में आपके दिमाग में यह सवाल चल रहा होगा कि आखिर कितने साल तक के बच्चों को यह सुविधा मिलने वाली है। तो आपको बता दें कि आपका बच्चा अगर 5 साल का है और आप टिकट बनवा रहे हैं तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 5 साल तक के बच्चों को रेलवे ने यात्रा फ्री कर दी है। अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ 5 साल तक का बच्चा है तो आपका बर्थ अपग्रेड हो सकता है, लेकिन यह सुविधा सभी लोगों को नहीं मिल सकती। लेकिन आप यात्रा कर रहे हैं और आप अपनी बात टीटी के सामने रखते हैं, तो अगर टीटी के पास लोअर बर्थ की सुविधा है तो वह आपको यह सीट जरूर उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप रेल अधिकारी को भी अपनी सीट को अपग्रेड करवाने को लेकर बोल सकते हैं, उन्हें अपनी बात कह सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर पर IRCTC को जब आप टैग करेंगे तो इस दौरान आप अपनी समस्या लिखेंगे, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि हमारे साथ 5 साल से छोटा बच्चा है जिसको कि सोने में परेशानी हो रही है, या फिर आप यह कहेंगे कि हमको मिडिल बर्थ मिला है या अपर बर्थ मिला है, इस तरह की समस्याएँ हैं, हमें अपने बच्चे के साथ सोना है, बच्चे को सोने में समस्या हो रही है, इसलिए लोअर बर्थ हमें मिलनी चाहिए। इन सब चीजों को शिकायतों के साथ आप IRCTC को टैग करें, या फिर टीटी हो या फिर रेल कोई अधिकारी हो, इनको आप ये सब समस्याएं अपनी बता सकते हैं, तब जो है आपको लोअर बर्थ मिल सकता है। यहां से आपको मदद मिल सकती की पूरी उम्मीद की जाती है। इस तरह से आप अपने बच्चे के साथ यात्रा के दौरान आराम से सफर का आनंद उठा सकते हैं। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखता है। इसी कड़ी में रेलवे ने माँ और बच्चे को रेलवे यात्रा के दौरान सोने में किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लोअर बर्थ में बेबी बर्थ को जोड़ा है, ताकि बच्चे के लिए एक छोटा सा अलग से बर्थ जुड़ सके, ताकि माँ और बच्चे दोनों यात्रा के दौरान आराम से यात्रा कर सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।